लगभग 3 साल पहले चौटाला परिवार में विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर पड़ी फूट अब तक बरकरार रही है। इस फूट के बाद जहां इनारों को भारी नुकसान झेलना, वहीं चौटाला परिवार के बाद जन्मी जजपा के लिए यह फूट लाभदायक साबित हुई है और जजपा प्रदेश में 10 सीटें लेकर सरकार के साथ खड़ी हो गई थी। समय समय पर जजपा के नेताओं ने इनारों को लेकर कई तरह के बयान दिए, लेकिन आज जो बयान अजय चौटाला ने ओपी चौटाला के विचार करने का बयान दिया, उसके बाद अब इनारों की प्रतिक्रिया देखने सुनने के लायक होगी। जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक हो सकते हैं। एकता के लिए कई बड़े नेता लगातार पारिवारिक सदस्यों से रायशुमारी भी कर रहे हैं, बशर्ते बड़े ओपी चौटाला साहब पहल करें तो हम तैयार हैं। परिवार एक होने के लिए जब भी चौटाला साहब बुलाएंगे हम जाने को तैयार हैं, यह कहना है जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला का। झज्जर में जेजेपी की सरोकार रैली का निमंत्रण देने यमुनानगर पहुंचे अजय चौटाला ने कहा, मैंने तो पहले दिन एक बात कही थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने विचार पर पुनः सोचें और विचार करें, अगर वह पुनः विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। वह स्वयं कहते हैं कि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती। अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें, क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। वही उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।